अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए फिश फ्राई बनकर तैयार है। ये देखिए मैंने यहाँ पे फिश मंगा ली है, ये मेरी 1.5 किलो फिश है और ये जो फिश है ना ये समुद्री सिंगाड़ा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कांटा होता है ना वो कांटा मैंने निकलवा दिया है। जो कांटे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से कांटे के पीसेस बाहर निकल गए हैं। ये देखो ये कांटा इसके पीसेस निकाल लिए हैं मैंने। आप घर पे इजीली इसको निकाल सकते हो, आप चाहो तो बाजार से ही निकलवा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे घर में निकालनी है तो ये कांटा भी मैंने इसमें रख लिया है। इसका जो क्रंचीनेस होता है ना बहुत अच्छा लगता है मैरिनेट होने के बाद में जब हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है उनके कांटा, तो इसलिए मैंने उनके लिए बोनलेस एकदम निकाल लिया। इसमें कोई एक भी कांटा नहीं है इनमें, ये देखिए आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे बिल्कुल भी एक भी कांटा नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको वॉश करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है और इसमें अच्छे से आटा मिक्स करके और 15 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। उससे क्या होगा कि जो इसकी मछली की जो अपनी फ्रेग्रेंस होती है ना वो सब खत्म हो जाएगी। आप लोग किस तरीके से मछली वॉश करते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, अब मैं इसको मिक्स करके 15 मिनट के लिए रख दूंगी, फिर उसके बाद में इसको वॉश कर लेंगे। इसको नॉर्मल पानी से वॉश करना है, एक एक बोटी को अलग अलग। बस ये है कि आपको इसमें आटा अच्छे से मिक्स करना है। देखो इस तरीके से ना एक कोटिंग सी बन गई है, देखो इस तरीके से एक कोटिंग बना लेनी है। 2-3 बार पानी से धोएंगे तो अपने आप ही आटा सारा रिमूव हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से फिश को वॉश कर लिया है, 2-3 बार अच्छे से पानी से धोएंगे तो इस तरीके से अच्छे से वॉश हो जाएगी। और मैंने इसको एक छेदों वाले छंटे में रख दिया ताकि इसमें जो बचा हुआ पानी है वो सारा निकल जाए, जब तक हम अपने और मसाले तैयार कर लेते हैं मैरिनेशन के लिए। अब मैरिनेशन के लिए जो मसाले चाहिए, देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, 5 से 7 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ले ली है, इतना बड़ा मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया है और एक ये जो है लहसुन की पुत्ती ले ली है। अब इसको हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसके साथ साथ जो सूखे मसाले जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चाट मसाला लिया है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक लिया है। नमक मिर्च हमेशा अपने स्वाद के अनुसार डालना। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अरारोट ले लिया है, 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है, 1/2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन ले ली है। अजवाइन जरूर डालना, अजवाइन स्किप मत करना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे फूड कलर लिया है, फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहो तो ले लेना, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। और 1 यहाँ पे नींबू ले लिया है। पहले हम क्या करते हैं इसका पेस्ट बना लेते हैं, फिर आपको मैरिनेट करते हैं, मतलब फिश को मैरिनेट करते हैं। चलिए अब मैरिनेट करते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरे दूसरे कुंडे में ले लिया है। अब आप लोगों के यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, अभी जो जितनी भी सारी चीजें ना पहले इसको यहीं आपस में मिक्स कर लेना ताकि वो सारी चीजें एक ही जगह पे ना चिपक जाएं। इसको अच्छे से यहाँ पे ही मिक्स कर लेना पहले। देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसको इस तरीके से डाल देंगे सारे में। और ये जो हमने पेस्ट बनाया था ये पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे। आप लोग मेरे चैनल को कहाँ से देख रहे हैं, मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी वीडियो आपके पास में पहले पहुंच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर देना, आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। और ये रहा हमारा नींबू, अब इसको भी इसके अंदर निचोड़ लेंगे, दोनों नींबू मतलब एक नींबू को अच्छे से इसमें निचोड़ लेंगे। नींबू को यहाँ निचोड़ लिया है, अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे जितने भी फिश के पीसेस हैं, जितनी बोटियां हैं, सब पे अच्छे से जो है कोटिंग हो जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, और यहाँ पे बहुत ही आराम से केयरफुली करना, क्योंकि ये जो कांटे होते हैं ना ये हाथों में बहुत ज्यादा अच्छे से छुप जाते हैं, आपके खून भी निकल सकता है वो हाथों में, तो इसलिए बहुत आराम से इस तरीके से आपको उठा उठा के पलटना है दोनों हाथों से। और ये देखिए बहुत अच्छे से ही कोटिंग हो गई है। अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे अब इसको जो है 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, तो मैं किसको किसी और बर्तन में ट्रांसफर कर देती हूँ ताकि फ्रिज में मैं इजीली रख सकूं, क्योंकि फ्रिज में अब इतनी जगह तो है नहीं, इतना बड़ा पतीला जाएगा, इतना बड़ा कुंडा जाएगा, तो इसलिए अब इसको किसी और बर्तन में ट्रांसफर करके 1 घंटे के लिए मैरिनेट फ्रिज में रख देती हूँ।
इसको ढक के रखना है फ्रिज में 1 घंटे के लिए मैक्सिमम। आप इसको 12 घंटे के लिए 24 घंटे के लिए भी रख सकते हो, मिनिमम आपको 1 घंटे के लिए रखना ही रखना है। जितना ज्यादा आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही टेस्ट आएगा। अब हम यहाँ पे अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे धनिया ले लिया है 1 पंच, यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना ले लिया, अभी इसको वॉश नहीं किया है। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन ले लिया है, 1 चम्मच जीरा ले लिया है, आधा छोटा चम्मच नमक है और 3 यहाँ पे हरी मिर्च ले ली है। हरी मिर्च की क्वांटिटी कम ही रखना, ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा तो ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा। और ये आधा नींबू है। अब मैं इन तीनों चीज़ों को धोकर अच्छे से पीस लेती हूँ मिक्सर में और बाद में हम इसमें नींबू डालेंगे। मैंने यहाँ पे हरा धनिया, पुदीना, लहसुन और लाल हरी मिर्च डाल दिए। इसके साथ में ही ये जीरा और नमक भी इसमें डाल दूंगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये मैंने 1 ब्रेड स्लाइस ली है। इससे क्या होगा, हमारी जो चटनी है ना उसकी थिकनेस बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। 1 ब्रेड स्लाइस भी इसमें डाल देंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर हमारी चटनी तैयार होगी और ये बहुत टेस्टी लगती है। इसके साथ साथ ही हम इसमें ये नींबू निचोड़ देंगे। इसमें नींबू निचोड़ने के बाद में इसमें हम आधा कटोरी, बहुत छोटी सी कटोरी है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। अब इसको पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे चटनी को पीस लिया है और कितनी बढ़िया मेरी चटनी बनकर तैयार हुई है, ये देखिए। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं फिश को फ्राई करने के लिए। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, आप यहाँ पे कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं, सरसों का ऑयल ले या अपने कोई भी आप सोयाबीन ऑयल जो भी आप यूज करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, फिर हम अपना फिश जो है इसमें डालेंगे। फिश को 1 घंटे से ज्यादा हो गया है मैरिनेट हुए हुए, ऑयल यहाँ पे मेरा गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे मछली मेरी एक साइड से ऑलमोस्ट हो गई है, क्योंकि मछली जो है ना बहुत जल्दी पक जाती है, तो इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ का, ज़्यादा ओवर कुक ना करें। ओवर कुक करेंगे तो टेस्ट वो नहीं आएगा तो टेस्ट आपको चाहिए। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी सी कोटिंग आ गई है और मेरी फ्राई एकदम देखो बिल्कुल तैयार है। अब इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने चटनी ले ली है, प्याज ले लिया। अब यहाँ पे हम प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। आपको सोना है, कहाँ पे सोना है, वो कौन है, देख कर आओ कौन है। यहाँ पे हम डालेंगे चाट मसाला टेस्ट के लिए। अब इसको लेके चलते हैं।